आदाब दोस्तों, मैं जावेद रईस हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ 4 इंच की दीवार को किस तरह से बनाया जाता है और क्या वो गलती है जो 4 इंच की दीवार बनाते समय आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तो वीडियो बिल्कुल डिटेल के साथ में होने वाला है। आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारी दीवार आ गई है दोस्तों, इस पर मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से इसको हम बनाएंगे ऊपर की तरफ। पहले हम कोना बनाएंगे, क्योंकि पहले कोना ही बनाया जाता है। दोस्तों, ये जो कन्नी की गोल वाला जो ये सिरा है दोस्तों, इससे मसाले को आगे की तरफ खींचना है, मसाले को फैलाना है इस तरह से। आप इस तरह से आगे पीछे इसको करते हुए दबाते हुए आगे की तरफ खींचना है इस तरह से, ठीक है? इस तरह से दबाते हुए खींचना है दोस्तों आप, क्योंकि अगर आपका मसाला सीधा होगा तभी आपका कोना भी सीधा ही होगा। दोस्तों, जब कोना सीधा होगा तो दीवार भी सीधी बनेगी। इस तरह से फेंट लगा लेंगे मसाले की, और अब हम इस पर एक हाफ ईंट लगाएंगे, आधा लगाएंगे इस पर, क्योंकि आगे की दरज कट जाए। दोस्तों, आगे की दरज को काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा आधा लग चुका है, अब हम इस पर सोहल करेंगे। दोस्तों, सोहल का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ज़्यादा खुले ना सोहल और ज़्यादा मिले ना, बस हिलता रहे, ज़्यादा बाहर की तरफ ना जाए और केंडा ऊपर नीचे ना हो, सीधा इसको पकड़ना है आपको, बस ये हिलता रहे इतना इसमें आपको गैप रखना है। दोस्तों, कोना हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इस पर धागा बांध देंगे। दोस्तों, क्योंकि इस धागे की मदद से ही हम दीवार को बनाएंगे। कोना अगर हमारा सीधा होगा तभी हमारी दीवार सीधी होगी एकदम धागे में। तो जिस तरह से हमने ये कोना इधर बनाया था, इसी तरह से दोस्तों दूसरी तरफ भी हम कोना बनाने वाले हैं। तो इस पर हम पहले मसाला डाल लेंगे अच्छे से, ये देखिए, और इसको दबाते हुए आगे की तरफ खींच लेंगे दोस्तों, और मसाला डाल लेते हैं इस पर, ताकि हमारी 2 ईंटें इस पर आराम से आ जाए, और कन्नी के इन दोनों साइडों से गोल वाले सिरों से मसाले को आगे पीछे करते हुए खींचना है दोस्तों, इस तरह से। दोस्तों, और मसाला हम ले लेते हैं, ये इस तरह से इसको इकसार कर देना है दबाकर। कोने को एकदम इकसार मसाला फैलाइएगा आप, ताकि इस पर जो आप जो लेवल की ईंटें लगाएंगे वो सीधी हो। ये दरज देख लीजिएगा आप, ये जो बीच वाली दरज है ईंट के सेंटर में होनी चाहिए, आगे पीछे ना हो, सेंटर टू सेंटर हो, और पीछे की तरफ आपका जो भी आए वो आपको काट कर लगा देना है। मेरा इसमें पौना आ रहा है तो मैं इसको पौना दे देता हूँ। ये मैंने पौना काट लिया है और ये मैंने अब पौने को लगा दिया है। दोस्तों, अब हम इस पर इसी तरह सोहल कर लेते हैं, जिस तरह पहले वाले कोने पर किया था। सोहल पर आपको बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा खुले ना सोहल और ईंट से चिपके ना, हल्का सा हवा बराबर बस हिलता रहे, उसी को सोहल कहते हैं, ठीक है? ज़्यादा खुलने को सोहल नहीं कहा जाता, फिर वो दीवार टेढ़ी हो जाती है। अब जिस ईंट से हमने सोहल किया था दोस्तों, उससे हम धागा मिला लेंगे आगे वाली ईंट का, ताकि जो हमारी आगे पीछे वाली ईंट जो है और आगे वाली ईंट बिल्कुल एक लेवल में हो जाए। दोस्तों, देख सकते हैं आप, पूरा हमारा धागा एकदम स्ट्रेट हो चुका है। अब इसको हम पैक कर देंगे मसाले से अच्छी तरह से, इसको अच्छे से हम पैक कर देंगे इस तरह से। ये हमारा कोना रेडी हो गया है दोस्तों, कोना ही मेन होता है, इस पर अब हम धागा बांध देंगे, ठीक है? तो हमारे दोनों कोने रेडी हो चुके हैं, हम अब हम इस धागे की मदद से दीवार को बनाएंगे दोस्तों। कुछ इस तरह से मसाले को फैला देंगे, ये जो कन्नी की साइड है इससे मसाले को दबाते हुए खींचना है, फिर आगे की तरफ इसी तरह से बैक खींचना है, ये फिर आगे की तरफ खींचना है, क्योंकि 4 इंच की दीवार पर मसाला जो है ना, ये जो कन्नी के गोल सिरे होते हैं इससे ही फैलाया जाता है। इससे क्या होता है, मसाला अच्छे से फैल जाता है दोस्तों, वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, गिरता नहीं है और इजीली फैल जाता है। ये देखिए, इसको अच्छे से आप फैला लीजिए मसाला, जितना आप एकसार फैला सकते हैं उतनी ही एकसार आपकी चिनाई आएगी। अब इसको मसाले को ईंट पर इस तरह चिपका देना है, ठीक है? खींच कर मसाले को चिपका देना है, और आपको ऐसा ना कर सको आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप मसाले को कन्नी पर लेकर थोड़ा सा आगे की तरफ और इसको इस पर इस तरह से लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है? इस तरह से भी आप कर सकते हो। और अब ईंट लगाएंगे इसके ऊपर हम। ये जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ईंट का कोना है नीचे वाली ईंट और ये ऊपर वाली ईंट के जो नीचे का जो सिरे है, दोनों मिले होने चाहिए ईंट से, और जो ऊपर का सिरा है ये आपका डोर से मिला होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए,
ये डोर से मिल चुका है, नीचे के जो सिरे है वो ईंट से मिल चुके हैं, और जो दर्ज है दोस्तों ये दर्ज ईंट के सेंटर टू सेंटर ही आनी चाहिए दोस्तों, ये आगे पीछे ना हो इसका आप ध्यान रखें, दर्जे सारी एक समान रखें ताकि आगे पीछे ना हो। आगे की तरफ भी हम इसी तरह से मसाले को लगा लेंगे दोस्तों, आप चाहे ईंट पर भी मसाला लगा कर चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मसाला उस पर नहीं लगाना आ रहा है ईंट पर, तो आप लगा सकते हैं, और दर्ज का फिर मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर आपकी दर्ज आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही एक कारीगर की पहचान होती है अच्छे कारीगर की, उसकी क्योंकि उसकी जो ईंट होती है वो सेंटर टू सेंटर होती है, दर्ज सेंटर टू सेंटर होती है दोस्तों, इससे दीवार में मजबूती भी आती है और दीवार अच्छी भी लगती है देखने में, ठीक है। इसी तरह से आप मसाला आगे की तरफ फैला लेंगे और इसी तरह से मसाले को चिपका कर ईंट पर आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ईंट हमारी अभी क्या है धागे से थोड़ी नीचे है दोस्तों, अब क्या करेंगे इस ईंट को हटाकर हम इसके नीचे मसाला फैला लेंगे, ताकि ये ईंट जो है ये सूते के लेबल में आ जाए, धागे के लेबल में आ जाए ऊपर से, ठीक है। ये आ चुकी है, अब क्या दोस्तों ये नीचे का जो इसका ये सीरा है, जो नीचे का कोना है, ये नीचे वाले रद्दे से बाहर आ रहा है थोड़ा, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम पलट कर लगा देंगे। अगर आपका नहीं आया तो आप पलट कर लगा दीजिए, अभी भी देखो थोड़ा अटक रहा है, ऊपर का तो आ गया है सूते में लेकिन नीचे का नहीं आ रहा, तो इसको हम एक बार फिर से पलट कर लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं ऊपर का भी सूते में आ गया है और नीचे का भी एकदम बेस इसका अच्छे से मिल चुका है दोस्तों। इस तरह से आप अगर काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों, कोई नहीं टोकेगा आपको, और यही एक अच्छे कारीगर की पहचान होती है, अच्छा काम इसी को कहते हैं दोस्तों। मसाले को इस तरह से फैला लेंगे आगे की तरफ अच्छे से, और इसी तरह से आप रद्दे को पूरा कर सकते हैं दोस्तों, इसी तरह से आप कंटिन्यू रखें। देख सकते हैं आप हमारा रद्दा अच्छे से लग चुका है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से दर्ज भी अच्छे से भरी है और अच्छे से हमने इसको पैक किया है दोस्तों। आप भी कोशिश कीजिए, एक बार में आपसे नहीं होगा लेकिन आपको कोशिश करते रहना है, एक ना एक बार आप अच्छे से इसको कर ही लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।